मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यदि एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो हजार प्रश्न दिमाग में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को कहा जाता है वैज्ञानिक। हम ये माने कि तभी से हमारी विज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है मस्तिष्क में। तो मैं डॉक्टर ममता शर्मा पारिक, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल की ओर से आप सभी का नेशनल ई कार्निवाल की फन विद साइंस एक्टिविटी के उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हमारे राष्ट्र के महान विद्वान आर्यभट्ट, भास्कर जैसे व्यक्तित्व ने विज्ञान को जन्म दिया। गणित, खगोल, औषधि, विज्ञान सभी क्षेत्र में भारत विश्वविख्यात रहा। परंतु ब्रिटिशर्स द्वारा 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया गया और हम भारतीयों को सेवक बनाकर आज्ञा पालन करने योग्य ही रखे जाने की योजना बनाई गई, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो मात्र उनके आदेशों का पालन करें। अपितु यह 1835 में हुआ, परंतु आज भी हमारे दिमाग में यही आप है। हम आज भी नौकरी और जॉब्स के लिए भाग रहे हैं। आज मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने लक्ष्य स्थापित किए हैं। इन लक्ष्यों की ओर बढ़कर भारत की खोई शान को लौटाया जा सकता है। आवश्यकता है नवाचार, आविष्कार व उद्यमिता को बढ़ावा देने की। विद्यार्थी ही राष्ट्र का भविष्य है, अतः विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को जगाने के लिए फन विद साइंस जैसी एक्टिविटी का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं अभिनंदन करती हूँ विज्ञान व प्रौद्योगिकी जगत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे महान व्यक्तित्व, जिनकी गरिमामय उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर शांतनु चौधरी सर, डायरेक्टर IIT जोधपुर। मैं स्वागत करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि जो उद्यमिता के क्षेत्र में जाने माने व्यक्तित्व है, श्री VK जेटली सर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन बिजनेस ग्रुप रेऑन्स। मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष व बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर HD चारण सर का, जिनके मार्गदर्शन में हम यह कार्यक्रम करा रहे हैं। डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर YN सिंह सर का मैं स्वागत करती हूँ, सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी विद्यार्थीगण। हमारे साथ जो दोनों महान व्यक्तित्व जुड़े हैं वह आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं और इनको किसी परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु कार्यक्रम की परंपरा अनुसार मैं क्रमशः परिचय देना चाहूंगी हमारे गेस्ट का। प्रोफेसर शांतनु चौधरी सर वर्तमान में IIT जोधपुर में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आप 25 से अधिक वर्षों तक IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर अकादमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया आपने। आप IIT दिल्ली में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के डीन भी रहे। आप CSIR CEERI पिलानी के डायरेक्टर भी रहे। आप फेलो हैं IAPR के। आपको 1993 में INSA मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। शोध में महत्वपूर्ण योगदान हेतु आपको ACCS CBAC पुरस्कार से नवाजा गया। शोध व अकादमिक क्षेत्र में विशेष योगदान के रूप में आप द्वारा 300 पब्लिकेशंस, 15 पेटेंट्स व 4 बुक्स भी अकादमिक क्षेत्र में दी गई। अब मैं परिचय देना चाहूंगी हमारे औद्योगिक क्षेत्र के महान व्यक्तित्व श्री VK जेटली सर का। VK जेटली सर वर्तमान में DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पद पर कार्यरत हैं। उद्योग जगत में आपका 42 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आप चेयरमैन हैं श्रीराम विद्यालय के। आप डायरेक्टर हैं कोटा क्लब लिमिटेड के। आप मेंबर हैं ISTD एडवाइजरी बोर्ड के। मात्र उद्योग व अकादमिक क्षेत्र में ही नहीं, आपका खेल जगत में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया DCM हॉकी टूर्नामेंट के। आप एडिटर हैं टाइकॉट जनरल के। आपको मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड स्टील व मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट भारत सरकार द्वारा एग्जुबरेंट पर्सनैलिटी सुप्रीम मैनेजमेंट स्किल अवार्ड से भी नवाजा गया।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करती हूँ डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर वायन सिंह सर से कि वो अतिथियों का स्वागत करें और कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। वायन सिंह सर प्लीज। धन्यवाद ममता मैडम। आज के हमारे कार्यक्रम नेशनल ई कार्निवल में फन विद साइंस के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर शांतनु चौधरी जी, निदेशक आईआईटी जोधपुर, कार्यक्रम के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि श्री वीके जेटली साहब, रेयान ग्रुप के सीईओ, कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल के संरक्षक परम सम्मानीय प्रोफेसर एच डी चारण साहब, कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर ममता पारिक, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेल के अन्य सहयोगी डॉक्टर अनु शर्मा, अभिषेक पुरोहित, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, संगठक एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और निदेशक, सभी शिक्षक और प्यारे विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। सर, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने आज इस महामारी के दौर को एक अवसर के रूप में लिया है। हमारा देश आत्मनिर्भरता, डिजिटलीकरण और सामाजिक दायित्व जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में एक सामाजिक दायित्व सेल का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जॉय ऑफ गिविंग अर्थात देने में सुख का अनुभव करवाना है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विश्व स्तर पर बदलाव लाने में सक्षम है। सामाजिक दायित्व सेल विद्यार्थियों को उनके सामाजिक दायित्वों के बारे में आगाह करने के साथ साथ उनको सामाजिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह सेल विद्यार्थियों को उनके परिवार के साथ साथ उनके समाज के साथ और फिर आगे उन्हें देश के साथ और फिर पूरे विश्व के संदर्भ में और अंत में प्रकृति से जुड़कर उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, यह उनको बताता है। इस सह अस्तित्व के संबंधों को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों को अनुभव करने में ये सेल सहायता करती है। श्रीमान जी, इसी कड़ी में सामाजिक दायित्व सेल द्वारा एक राष्ट्रीय ई कार्निवल का आयोजन 25 जून से 3 जुलाई तक किया जा रहा है। यह लगभग 40 दिन का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्तर के छात्र छात्राओं को अपने हुनर और प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी लगभग 20 प्रकार की विभिन्न गतिविधियों में ऑनलाइन अपने फोटो या वीडियो भेजकर ही भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यतः कला व संस्कृति, क्राफ्ट, सामाजिक दायित्व, विज्ञान, साहित्य की, परिवार मूल्य व संबंध इत्यादि क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन प्रतियोगिताओं को महाविद्यालय की टीम द्वारा इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ साथ उनके सामाजिक दायित्वों के बारे में पता चल सके। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम विज्ञान फन विद साइंस आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ किया जा रहा है। इस विज्ञान का आनंद गतिविधि में 3 गतिविधियां मुख्य रूप से सम्मिलित हैं, विज्ञान दर्शन, प्रयोगशाला और तरकीब। विज्ञान दर्शन में विद्यार्थी जो कि कई दिनों से अपने घर पर हैं, वो कोई भी विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट उसके बारे में वीडियो बनाकर या उसके फोटो वगैरह हमें ऑनलाइन भेजकर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रयोगशाला के अंतर्गत विद्यार्थी कोई भी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट को
को परफॉर्म करें घर पे और उसका वीडियो या फोटो हमें शेयर करें और इस प्रकार इस प्रयोगशाला गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरी जो गतिविधि है जिसको तरकीब नाम दिया गया है, इसमें कोई भी विज्ञान आधारित नवाचार, कोई नवोन्मेष, कोई भी कोई नया आइडिया विद्यार्थियों को अगर आया है तो वो हमें शेयर करें, हमारी टीम को बताएं और उनको हम इस गतिविधि में सम्मिलित करेंगे। तो श्रीमान जी, यह एक प्रयास है और आज इस प्रयास में आप दोनों के जुड़ने से हमारे इस प्रयास को और भी एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके सुझाव और जो भी आप हमारे विद्यार्थियों को जो उद्बोधन देंगे उससे हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा विश्वविद्यालय का विश्वास है। इसी के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ आगे कार्यक्रम को चलाने के लिए डॉक्टर ममता पारिक को माइक सौंपता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर।